assalamu alaikum students i am your master chetan from Farooq public school today we are going to start our lecture 3a in which we will discuss quadratic formula

कोफ़िशियंट ऑफ एक्सक्वेयर पे पूरे इक्वेजन को हम क्या करते थे डिवाइड करते थे राइट तो क्या हो जाता एक्स स्क्स प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाय एक्ल्स टू जीरो ना द अदर सेकेंड स्टेप वी हैव टू शिफ्ट द कॉन्स्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेजन दैट इज वी विल सब्ट सी बाई ए फ्रॉम बोथ साइड सो वी गेट x square plus b by a x is equals to minus c by a. Now the third and the last step at b by 2a whole square on both sides. So happen x square plus b by a x plus b by 2a whole square is equals to minus c a plus b by 2a whole square. अच्छा इस साइड को तो हम ओपन नहीं करते तो क्या हो जाता है एक्स होल स्क्वायर प्लस टू इन ए आपका एक्स बी आपका बी बाई टू इफ यू सी टू टू कैंसिल के वापस बी बाई एक्स दे देते दे, हैं ठीक है यहाँ से बी बाई टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर ठीक है ये आपका सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था नाइन्थ में कि आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉज होते हैं क्या होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉज में इफ़ इफ़ ए बाई बी होल पावर एन इजिकल्स टू ए पावर एन बी पावर एन तो यहाँ पे क्या है बी बाई टू ए होल स्क्र तो बी स्क्वेयर और टू ए का होल स्क्र फोर ए स्क्वायर यहाँ से यूजिंग फार्मूला कौन सा फार्मूला ए प्लस टू ए बी प्लस बी किसकी कोल होता है ए प्लस बी होल स्क्वेयर के इक्वल होता है ठीक यहाँ से हम एल सी एम लेंगे एल सी एम आपके पास क्या आ जाएगा फोर ए स्क्वेयर ठीक अच्छा अब यहाँ देखें माइनस सी है सी के नीचे ए मौजूद है फोर मौजूद नहीं है ठीक अच्छा हमारे पास एल इसके और इसके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे यहाँ एल सी एम का डिनिनेटर और एल सी एम डिनोमिनेटर फोर ए जो फैक्टर यहाँ मौजूद नहीं होगा वो हम ऊपर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अब यहाँ फोर मौजूद नहीं है और एक ए नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस बी स्क्यर बी स्क्वेयर के नीचे पूरा फोर ए मौजूद है तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई ना वन मल्टीप्लाई करेंगे ठीक यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी प्लस बी स्क्वेयर बाय फोर ए स्क्वेयर और इसको हम अरेंज फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमने पहले कौन सा टर्म लिखना होता है पॉजिटिव टर्म ठीक है फर्स्ट टर्म शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव बी स्क्यर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्र सॉरी मैंने टू ए स्क्वेयर लिख दिया अच्छा नाउ टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड टेकिंग स्क्र रूट ऑन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू होल स्क्वेयर इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए सॉरी फोर ए स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए स्क्वायर और रूट कैंसल अच्छा यहाँ से अंडर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट फोर ए स्क्वायर ठीक है अच्छा प्लस माइनस साइन के साथ सॉरी यहाँ से प्लस माइनस नहीं आता ठीक है प्लस माइनस नहीं आता यहाँ सॉरी जब हम इस फोर ए स्क्वायर को रूट से निकालेंगे पर प्लस माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू एजिकल्स टू अंडर रूट बी स्क्वा माइनस फोर ए सी ये ये रूट से निकल के टू ए क्योंकि फोर टू का स्क्वायर है और ए स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम बी बाई टू ए को वो साइड क्या करेंगे सब ट्रैक्ट करेंगे माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायेर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए कैंसिल हो गया आपके पास क्या आ गया एक्स इक्वल्स टू अब यहाँ एल सी एम लेंगे अच्छा एल सी एम आपका क्या आता है टू ए क्यों क्योंकि अगर आप दोनों फ्रैक्शन को दोनों फ्रैक्शन के नीचे क्या है दोनों फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ये आप एल्म आ जाएगा माइनस बी इस फ्रैक्शन को अगर आप इसके डिनोमिनेटर एल्सीयम को कंपेयर करेंगे सेम है तो इसके साथ वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन लेंगे बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी उसके डिनोमिनेटर को एल्सीयम की डिनोमिनेटर को कंपेयर करें सेम है तो वन मल्टीप्लाई हो जाएगा तेक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b square minus 4ac divided by 2a this is your required quadratic equation which is the required quadratic equation a quadratic formula sorry क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ये फार्मूला याद करना है इसको ऐसे रखना है ऐसे याद करना है कि ये आपको तो भूलें नहीं क्योंकि इस, इसको आगे हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं इसी के थ्रू हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो प्रैक्टिस करें इसकी और इसको याद करें ठीक है थैंक यू सो मच फॉर टुडे